ये लगातार चल रहा है, तो इसमें चूंकि बताया जा रहा है गुना जिले से है, तो हमने इसमें चूंकि सीएसपी के नेतृत्व में एक टीम बनाई है और उसका परीक्षण करा रहे हैं। और चूंकि आपके माध्यम से भी मैं अपील करता हूं और चूंकि सोशल मीडिया में भी अपील की है, इसमें अगर पीड़ित पक्ष हमारे पास आ जाता है तो हमारे लिए बेहतर स्थिति रहेगी, अन्यथा हम अपने लेवल पर तो कार्रवाई करेंगे ही, लेकिन जो उसमें पीड़ित पक्ष दिख रहा है वो अगर रिपोर्ट करता है तो हम लोग उसको प्रोटेक्ट करेंगे और उसमें जो कल्प्रिट हैं, जो बदमाश लोग हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। ये हमने चूंकि अपने नीचे अधीनस्थ थाना प्रभारी और एसडीओपी को निर्देश जारी किए हैं। सर, उसमें यह भी पता चला है कि जो मारपीट कर रहे हैं लोग, उनके तार पहले से क्रिमिनल रिकॉर्ड से जुड़े हुए हैं और उन्होंने किसी लॉ के छात्र के साथ भी मारपीट की थी। हाँ, ये संज्ञान में आया था कि पिछली समय में ये कोई टोल पर कोई अपराध पंजीबद्ध हुआ है, उसमें 307 का अपराध है, तो उसमें ये जो बताए जा रहे हैं कि उसमें आरोपी हैं, तो पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर किए गए हैं और माननीय न्यायालय से भी जमानत हुई है। तो इसमें अगर ये चिन्हित होके और अपराध पंजीबद्ध हो जाता है तो इनकी जमानत के जो जमानतदार हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई करके जमानत राशि भी जब्त कराएंगे और उनकी जमानत भी कैंसिल कराएंगे। क्राइम की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट चैनल यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना न भूलें। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, देखते रहें इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट।